फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका आज हमारे चैनल में देखिए फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं बायोमी जो होता है एनिमल सेल्स। आपके सामने उसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है और कुछ नेम आपके सामने हैं। तो ये फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ही यूज़ होता है और 9th to 12th ये टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तभी आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो आ पाएंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने देखा है इस पिक्चर में ऊपर दिखाया हुआ है माइक्रोविलस। माइक्रोविलस क्या होता है? ये उंगलियों की तरह बनी हुई एक संरचना होती है जो हमारे एनिमल सेल्स में सबसे ऊपर का हिस्सा मानी जाती है। सेकंड है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? अर्थ पारगम्य झिल्ली होती है ये एक तरह की, जो हमारे एनिमल सेल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका, थर्ड नंबर पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के दीर्घ अणु संश्लेषण करता है ये गोल्गी उपकरण। इसमें तीन संरचना होती हैं, सिस्टर्ने, वेसिल्स, वैकुलस। इसके बाद आप देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर पे आपका क्या है? रिजोसम। इसमें पाचक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये आत्महत्या की थैली से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाहर से आने वाले सूक्ष्म अणुओं को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, रफ ईयर। अगर आप बोलेंगे ये तो रफ ईयर है और मैं आपको बताने जा रही हूँ, एंड पिक्चर में दिखाया हुआ है रफ ईयर। इसी तरीके से जो रफ ईयर दिखाया हुआ है, एक होता है स्मूथ ईयर। ये एक बड़ी फिंगर की तरह एक इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, डायग्राम होता है। इसके बाद आपका आता है रिबोसम। रिबोसम क्या होता है? यह बहुत सारी प्रोटीन रखती है तो इसीलिए इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकोप्लाज्म। साइकोप्लाज्म क्या होता है? ये जल की पूरी तरह सेल फैला हुआ होता है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका, एक स्ट्रक्चर बनी हुई है गोल सर्कल के द्वारा, तो इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है आपका? ये केंद्रक के सबसे मध्य का भाग होता है। और नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, इसे कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजली का घर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका, लास्ट में जो पिक्चर दिखाई हुई है सेंट्रियोल्स, यानी कि ये कोशिका विभाजन में स्पैंड्रियम फॉर्मेशन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको एनिमल सेल्स के बारे में बताया। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।